ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 9 अक्टूबर 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता है, उसके लिए योग बल चाहिए, यह भी एक लॉ है। प्रश्न है, शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? उत्तर, बाबा कहते देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ये मैंने किसी से भी पढ़ा नहीं है, मेरा कोई बाप नहीं, कोई टीचर नहीं, गुरु भी नहीं, मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म भी नहीं लेता हूँ, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। खुद 84 के चक्र में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल ही एक्यूरेट दे देता हूँ। ओम शांति। रूहानी बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जानते हो, आगे नहीं जानते थे, अभी बाप द्वारा तुमने जान लिया है। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते जरूर हो, तुम बच्चों को 84 के चक्र का नॉलेज देता हूँ, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में नहीं आता हूँ। तो इसे समझ जाना चाहिए, शिव बाप में सारा ज्ञान समाया हुआ है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनते हैं, फिर उनमें अनुभव कहाँ से आया? हमको तो अनुभव प्राप्त होता है, ब्रह्मा बाबा कहते हमें अनुभव है, शिव बाबा को तो कोई अनुभव नहीं है, बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं जो तुमको सुनाते? प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना। बाबा कहते मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, परंतु मैं तो 84 जन्मों के चक्र में नहीं आता। बाबा को ये वंडर वंडर खाते, भगवान क्या खाता है और क्या पीता है? परम पिता है, वंडर खाते हैं। तो शिव बाबा कैसे पढ़ाते हैं, इनको कैसे 84 के चक्र का मालूम पड़ा है, जबकि खुद 84 जन्मों में नहीं आते हैं? बाबा बीज रूप होने के कारण सब कुछ जानते हैं, खुद 84 के चक्र में नहीं आते, परंतु तुमको सब समझाते, ये भी कितना वंडर है। ऐसे भी नहीं बाप कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, कहा जाता है ड्रामा अनुसार उसमें यह नॉलेज नूंदी हुई है जो तुमको सुनाते हैं, तो ये वंडरफुल टीचर हुआ ना, वंडर खाना चाहिए ना, इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए हैं, ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि आदि। तुम वंडर खाते हो, ईश्वर में कैसे सारी नॉलेज भरी हुई है, उनमें आई कहाँ से जो तुमको सुनाते समझाते? उनको उनका तो कोई बाप नहीं है जो आकर के उनको पढ़ाए, या टीचर भी कोई नहीं है जिनके द्वारा बैठ सुने, तुम सब भाई भाई हो, वह एक कैसे तुम्हारा बाप है, बीज रूप है, कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते, कहते हैं 84 जन्म मैं नहीं लेता हूँ, तुम बच्चे लेते हो, तो जरूर प्रश्न उठेगा ना, बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा? बाबा कहते बच्चे अनादि ड्रामा अनुसार मेरे में पहले से नॉलेज है जो तुमको मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए ही उसे मुझे ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। खुद चक्र में नहीं आते, परंतु उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, उनको 84 के चक्र की नॉलेज कहाँ से मिली? तुमको तो मिली बाप से, है ना, हमें कहाँ से मिली? शिव बाबा से मिली, बाबा में ओरिजिनल नॉलेज है, उनको कहा ही जाता है, क्या कहा जाता है, नॉलेज फुल, कोई से वो पढ़ा नहीं है तो भी उनको ओरिजिनल मालूम है, इसलिए नॉलेज फुल कहा जाता है, यह वंडर है ना, इसलिए यह ऊंचते ऊंच पढ़ाई गाई जाती है। बच्चों को वंडर लगता है किस पर? बाप पर। उनको क्यों नॉलेज फुल कहा जाता है? एक तो यह समझने की बात है, दूसरे फिर क्या बात है, यह चक्र तुम दिखाते हो तो कोई पूछेंगे कि ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी, और यह जो नारायण बनते हैं उनमें भी अपनी आत्मा होगी, दो आत्माएं हैं ना,
एक ब्रह्मा की और एक नारायण की, ऐसे नहीं है। परंतु तो विचार करेंगे तो यह कोई दो आत्माएं नहीं है, आत्मा एक ही है। यह एक सैंपल दिखाया जाता है देवता का, अलग अलग बिठाते हैं ना, ब्रह्मा को विष्णु को खड़ा किया है, शंकर जी को भी बिठाया है। यह ब्रह्मा सो विष्णु अर्थात नारायण बनते हैं, इसको कहा जाता है गुह्य बातें। बाप बहुत गुह्य बातें सुनाते हैं जो कोई पढ़ा न सके सिवाय बाप के। तो ब्रह्मा और विष्णु की कोई दो आत्माएं नहीं है, आत्मा तो एक ही है। वैसे ही सरस्वती और लक्ष्मी की भी दो आत्माएं नहीं है, है तो एक ही, उनका पार्ट अलग अलग है। आत्मा एक है, शरीर दो है, ये सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है, इसलिए एक आत्मा गिनी जाएगी। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती है, ये बड़ी समझ की बात है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा एक ही है, एक यह सैंपल दिखाया जाता है। कैसे? ब्राह्मण सो देवता सो क्षत्रिय सो वैश्य शूद्र बनती है। तो बाबा कहते ये गुह्य बातें हैं, इसमें भी पहले पहले यह समझ चाहिए हम एक बाप के बच्चे हैं, सभी आत्माएं असुर परमधाम की रहने वाली है, यहाँ पार्ट बजाने के लिए आई है, यह खेल है। बाप तुमको इस खेल का समाचार बैठ सुनाते हैं, बाप तो ओरिजिनली जानते हैं, उनको कोई ने सिखाया नहीं, इस 84 के चक्र को वही जानते हैं जो इस समय तुमको सुनाते, फिर तुम भूल जाते हो, फिर उनका शास्त्र कैसे बढ़ सकता है? बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, फिर कैसे आकर के नई नई बातें सुनाते हैं? आधा कल्प है भक्ति मार्ग, यह बात भी शास्त्रों में नहीं है, यह शास्त्र भी ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग में बने हुए हैं, ज्ञान मार्ग की बातें नहीं है, भक्ति में बनी हुई है। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज है, उनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठ इस सृष्टि चक्र की नॉलेज सुनाते, मनुष्यों ने तो गपोड़े लगाकर सृष्टि की आयु कितनी लंबी कर दी। नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया बनती है, नई दुनिया को कहा जाता स्वर्ग और पुरानी दुनिया को कहा जाता नर्क। दुनिया तो एक ही है, नई दुनिया में रहते हैं देवी देवताएं, वहां क्या है? अपार सुख है, सारी सृष्टि नई होती है, अभी इनको पुराना कहा जाता है, पुराना वर्ड आयर्न एजेड वर्ड। जैसे ओल्ड दिल्ली होती है न्यू दिल्ली कहा जाता है ना, बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चों, न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होगी और पुराने वर्ल्ड में पुरानी दिल्ली होगी, यहाँ कैसे न्यू हो सकती है? लेकिन जितना भी एक्सटेंशन एरिया होता है नई बनती जाती है तो उसको न्यू कहते हैं। हाँ, तो बाबा समझाते नई दुनिया में नई दिल्ली होगी, उनमें लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे, उसको कहा जाएगा सतयुग। तुम इस समय सारे भारत में राज्य करेंगे, देखो सारे भारत में राज्य करेंगे। तुम्हारी गद्दी जमुना के किनारे पर होगी, पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ ही है, वंडर है। पूरे 5000 साल में दिल्ली ही हमारी राजधानी होती है, नाम अलग अलग होता है उसका, सतयुग में उसका नाम क्या होगा? सतयुग में क्या नाम होगा उसका? परिस्तान, दिल्ली नहीं होगा, दिल्ली तो बाद में बनता है। राम राज्य की भी गद्दी यहाँ ही होगी, नाम देहली नहीं होगा, उसको परिस्तान कहा जाता है। फिर जो जैसा राजा है ना, वह अपनी गद्दी का ऐसा ही नाम रखते हैं। इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो, नई दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो, फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, पढ़ाने वाला है ही एक बाप। तुम जानते हो उचते उच बाप ने नीचे आकर के माना ये सृष्टि पर आकर के राजो सिखाया, अभी तुम हो संगम युग पर जबकि कलयुग की दुनिया खलास होनी है। बाबा ने इसका हिसाब बताया,
मैं आता हूँ ब्रह्मा के तन में। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि ब्रह्मा कौन सा, सुना है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम प्रजा हो ना ब्रह्मा की, इसलिए अपने को बीके कहलाते हो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। वास्तव में शिव बाबा के बच्चे शिव वंशी हो। जब निराकार आत्माएं हो फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो, और कोई भी संबंध हमारा नहीं है। इस समय तुम उस कलियुगी संबंध को भूलते हो क्योंकि उनमें बंधन है। तुम जानते हो नई दुनिया में, तुम जाते कहाँ हो नई दुनिया में, ब्राह्मणों की चोटी होती है। अभी आजकल ब्राह्मण नहीं रखते, कई लोग रखते भी है, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है ना। तुम ब्राह्मणों का यह कुल है, वो है कलियुगी ब्राह्मण। ब्राह्मण अक्सर करके पंडे होते हैं, एक धामा खाते हैं, दूसरे ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण ये गीता सुनाते हो, वह भी गीता सुनाते, तुम भी गीता सुनाते, फर्क देखो कितना है। हम उस गीता को प्रैक्टिकल में लाते हैं, फिर सुनाते हैं, फिर उसका प्रभाव पड़ता है। तुम कहते हो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, वो तो देवता है, देवी गुण वाला, उनको तो इन आंखों से देखा जा सकता है। शिव के मंदिर में देखेंगे, शिव को अपना शरीर है नहीं, वो है ही परम आत्मा, ईश्वर प्रभु भगवान आदि अक्षर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो है परमात्मा, परम आत्मा सुप्रीम। तुम नॉन सुप्रीम हो, हम सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम परमात्मा शिव बाबा है। फर्क देखो कितना है तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में। तुम आत्माएं अभी परमात्मा से सीख रही हो, वह कोई से सीखा नहीं है बाबा, कोई से सीखा नहीं है, स्वयं भू बोलते हैं ना शिव को, वो तो फादर है। उस परमपिता परमात्मा को तुम फादर भी कहते हो और टीचर भी कहते हो, गुरु भी कहते हो, है तो एक ही। कोई भी आत्मा बाप टीचर गुरु नहीं बन सकती है, एक ही परमात्मा है, उनको कहा जाता है सुप्रीम। हर एक को पहले फादर चाहिए, फिर कौन चाहिए, बड़ा होने के बाद पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए, और फिर सतगुरु गुरु चाहिए। बाबा भी कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी बनता हूँ, टीचर भी बनता हूँ और सतगुरु भी बनता हूँ और सदगति करता हूँ। सदगति देने वाला गुरु है ही एक, बाकी तो गुरु अनेक है। बाबा कहते हैं मैं तुम सबको सदगति देता हूँ, तुम सब सतयुग में चले जाएंगे, बाकी सब कहाँ जाएंगे, परम धाम में शांति धाम में जाएंगे। वो सतयुग में आदि सनातन तो देवी देवता धर्म था, बाकी कोई धर्म है नहीं, और सभी आत्माएं चली जाती है मुक्ति धाम। सदगति कहा जाता है सतयुग को। पार्ट बजाते बजाते फिर दुर्गति में आ जाते हैं, तुम सदगति से फिर दुर्गति में आते हो, तुम ही पूरे 84 जन्म देते हो, यथा राजा रानी तथा प्रजा, जो उस समय होंगे 900,000 तो पहले आएंगे, 84 जन्म 900,000 तो लेंगे ना, फिर दूसरे आते रहेंगे। देखो 900,000 जितने आत्माएं 84 जन्म लेती है, क्योंकि पहला उनका जन्म है, ये हिसाब किया जाता है। जो बाप समझाते सब 84 जन्म नहीं देते, पहले पहले आने वाले ही 84 जन्म लेते हैं, फिर कम कम लेते आते हैं। हर एक धर्म जैसे जिस समय आता है उस अनुसार उसकी गिनती शुरू हो जाती है। लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म का इतिहास 5,000 साल का है, वो पहला आया है 84 जन्म भी वही लेता है, मैक्सिमम 84। ये जो बातें हैं और कोई मनुष्य नहीं जानते, बाप ही बैठ समझाते, गीता में है भगवान वाच। अभी तुम समझ गए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई कृष्ण ने नहीं रचा है, ये तो स्वयं भगवान शिव जी ने रचा हुआ है। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों के अंत में ये ज्ञान सुना है जो पहले नंबर में आया। ये बातें समझने की है, बच्चों को रोज पढ़ना है। क्यों,
क्योंकि हम सब गॉडली स्टूडेंट है ना, भगवान के स्टूडेंट है, भगवान वाच है ना। मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह है ही पुरानी दुनिया, नई दुनिया माना सतयुग, अभी है कलयुग। बाबा आकर कलयुगी पतित से सतयुगी पावन देवता बनाते हैं, इसलिए कलयुगी मनुष्य उनको पुकारते रहते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। कलयुगी पतित से सतयुगी पावन बनाओ, फर्क देखो कितना है। कलयुग है अपार दुख, बच्चा जन्मा सुख हुआ, फिर कल मर गया दुख हुआ, सारी आयु कितना दुख होता है। यह है ही दुख की दुनिया, अभी बाप सुख की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, उत्तम से उत्तम पुरुष व नारी बनते हो। तुम आते हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, स्टूडेंट टीचर से योग रखते हैं क्योंकि समझते हैं इन द्वारा हम पढ़ करके फलाना बनेंगे। यहाँ तुम योग लगाते हो परमात्मा शिव से जो तुम्हें देवता बनाते हैं। कहते भी हैं मुझ अपने बाप को याद करो जिसके तुम शालिग्राम बच्चे हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही नॉलेजफुल है। बाबा तुम्हें सच्ची गीता सुनाते हैं परंतु खुद पढ़ा हुआ नहीं है। ये वंडर खाते हैं, बाबा ने उत्तर में प्रश्नोत्तर में भी यही कहा ना, मैं भी अपना वंडर खाता हूँ। कहते हैं मैं किसका बच्चा नहीं हूँ, कोई से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, या मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं फिर तुम बच्चों का बाप टीचर गुरु बनता हूँ। उनको कहा जाता है परमात्मा, ये सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, जब तक वह न सुनावे तब तक तुम आदि सनातन आदि मध्य अंत को समझ न सको। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुमको यह बाबा नहीं पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ाते, इसमें प्रवेश कर शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये नई बात है ना, यह होते हैं संगम युग पर। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसके राजा खाए। बच्चों को कहते भूतों का कल्याण करने के लिए, फिर से देवता बनाने के लिए ये पाठशाला म्यूजियम खोलो, जहाँ बहुत आकर के पढ़ेंगे, वर्षा पाएंगे। अभी रावण राज्य है, राम राज्य में था सुख, रावण राज्य में है दुख, क्योंकि सब विकारी बन गए। वो है निर्विकारी दुनिया। बच्चे तो ये लक्ष्मी नारायण आदि को भी है, परंतु वहाँ है योग बल। बाबा तुमको सिखलाते योग बल, योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते। बाहुबल से कोई भी विश्व का मालिक नहीं बनता, ये लॉ नहीं है। तुम बच्चे याद के बल से सारे विश्व की भाषाएं ले रहे हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है। बाबा कहते पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, पवित्र बनने से ही तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की रहते बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कलयुगी संबंध जो कि इस समय बंधन है उन्हें भूल स्वयं को संगम युग ब्राह्मण समझना है। सच्ची गीता सुननी है और सुनानी है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए ये पाठशाला या म्यूजियम खोलना है। वरदान, बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से, हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। कई बच्चे कहते हैं हम राइट है, फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन यह सहन करना या मरना की धारणा की सब्जेक्ट में नंबर वन लेना है, इसलिए सहन करने में घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते हैं लेकिन मजबूरी से सहन करते हैं, और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है बच्चे सहनशील बनो। तो आज्ञा समझ मोहब्बत से सहन करना, अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी भी मार्क मिलती है। स्लोगन है, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं। तो ऐसे बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भाइयों को, माताओं को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।